महिलाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बोलो बोलो। अरे हम नाम पूछ रहे हैं, आप उधर चली गई। पूछो कुछ ही आगे आगे। अच्छा आप अपना नाम बताइए। ममता। हाँ नाम बोलना है। आपका कहाँ घर है? छपरा जिला। राशन हमेशा टाइम से मिल जाता है? नहीं अभी तो पहले बार उठाते हैं। सब लोग को मिल एक को थोड़ा लेट से मिला प्रदूषण की वजह से। एक तक से शुरू होता था लेकिन अब की लेट से मिला प्रदूषण की वजह से। बोला कि प्रदूषण का छुट्टी है, जब तक प्रदूषण खत्म नहीं होगा तब तक राशन नहीं मिलेगा। अच्छा तो एक बात बताइए, ये राशन जो है वो किस सरकार का आपको मालूम है? हमारा नहीं मालूम है। कौन दे रहा है? मेरा पता नहीं है। मोदी सरकार दे रहा है। आप बताइए। हाँ तो वही तो हमें भी तो नहीं पता है, तो यही तो मोदी सरकार दे रहा है। हाँ तो दूसरा कौन दे रहा है? दूर दूर से आते हैं, जिनके यहाँ राशन नहीं है वो भी लेके जाते हैं यहाँ से। राशन कैसे देंगे? जिसका नाम होगा उसी को तो राशन मिलेगा। राशन कार्ड है तो वैसे राशन दे रहे, उठाओ लो जाओ। वैसे मोदी सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है, और कहाँ से मिलेगा? तो लगातार मिल रहा। हाँ लगातार मिल रहा है, थोड़ा लेट हो गया बस, बाकी बराबर मिल रहा है। तो अभी तो चुनाव भी होना है दिल्ली में। हाँ तो होना है। तो किसका सरकार आने का उम्मीद लग रही है? महिलाओं को खास कर, क्योंकि महिलाएं अब देख रहा हूँ मैं, अब सब जगह सरकार। सरकार कोई भी आए, काम अच्छा करे, सरकार कोई भी आए। कौन सरकार दिल्ली में आना चाहिए? देखो मैं कैसे बोलूं, मेरी तीन है, तीन है, एक झाड़ू, एक कमल, एक हाथ का पंजा। मुझे तो कांग्रेस ही पसंद पड़ रहा था पहले भी, अब भी। अब बाकी अब जो आए, मेरे बोलने से थोड़ी ना होगा सरकार जो बने। अनाज मोदी जी का। अब अनाज मोदी जी दे रहे, अपने घर से थोड़ी ना दे रहे हैं, अपने घर से दे रहे। पहले भी तो सरकार थे, पहले राशन नहीं मिलता था। तो वही तो कह रहा है, मोदी जी देता है तो बोल दे, जिसको खाओगे। वो तो बोल नहीं करे, मोदी जी दे रहे लेकिन हम चाहते हैं पंजा करें बस। अब देखो पहले जो सुविधा, अब देखो कितना छोटे छोटे बच्चों के साथ कितना गंदा गंदा होता है हर जगह, रे बला का खून खूनी, पहले ऐसा कुछ था? अब बच्चों को घर से निकालते भी डर लगता है, बच्चों को घर को निकालने से भी डर लगता है बाप माँ को। झाड़ू वाले का क्या कहना है? वो झाड़ू वाला कैसा जैसा किया वैसा भोग रहा है, जैसा किया दारू का अड्डा खोला वैसा भोग रहा है, जेल का खिचड़ी खा रहा है। हम लोग तो सोचे थे कुछ अच्छा ही करेगा महिलाओं के लिए, बाल बच्चों के लिए, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। महिलाओं का जो बस में फ्री फ्री, अब जो करती है जॉब उसके लिए फ्री, हम तो भाई घर बैठे हैं, हाउस वाइफ है, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं फ्री है। दवाई ढंग का ही नहीं मिल पाता है तो कहते हैं बड़ा मोहल्ला क्लिनिक खोले। हाँ तो क्या करिए, खोल के क्या कर दिया, कुछ नहीं है। जाओ टेढ़ा बोला बोली बोलता, कोई ढंग से बात भी नहीं करता है। आप बताइए तो माता जी, क्या सरकारिया आई दिल्ली में? दिल्ली में मोदी सरकार, मोदी सरकार। केजरीवाल का टाइम खत्म है कहा? उसको खत्म खत्म है, कहे वो जेल में चल गया। जेल में तो ये कहते हैं फर्जी डलवाए बीजेपी वाले साजिश करके, वही अपना दारू के चोरी किया तो गए। और आपके हिसाब से भैया किसके नाम कहो, जिसको मर्जी होगा उसको देंगे। अरे कमुआ तो केहू को बताएंगी, कमुआ के कर बताओ। झाड़ू वाले का ठीक है कि कमल का फूल वाले का ठीक है? पंजा के तो कर सरकार ये नहीं कही। दोनों में जो होगा हम और हम भाई किसको कहो, मैं कह नहीं पाऊंगे ना, कहने में ना बहुत देख रहे हो ओपी में कैसे हो रहा है। क्या हो रहा है? एक लड़की बोली थी से मोदी के हूँ, 7-7 दिन मोदी के रहूंगी, तो देखो लड़की के कैसे कैसे दास्ता किया है, क्या क्या हुआ था। तो कहने भी में तो कह नहीं पाते हैं, इंसान जिसको मन में होगा उसको देंगे। कहने में डर लगता है? हाँ डर लगती है, जमाना ऐसा ही ऐसे डर लगती है। अभी अगर वो कान बरांच हुआ है तो उसी से सुन के डर लगता है। अभी यूपी में नहीं सुने हो, नहीं देखे हो? हाँ तब तो उससे किसको कहूँ। अच्छा। जिसका इच्छा होगा उसको देंगे, कह नहीं पाएंगे हमसे। अच्छा, तो ये तो बता सकती केजरीवाल सरकार का काम ठीक है कि गड़बड़? कुछ नहीं किया है सर। आप बता। मैं कुछ नहीं बता सकती इनसे पूछ लो। आप बताओ भैया, हम कहा जाने, जब पढ़े लिखे ना जान रहे, हम अनपढ़ आदमी हम कहा जाने। सब सरकार हमारे लाए तो सही है, कौन सी भी आ जाए सही है, बस जो काम सही करवाएंगे वही सही है। अब राशन दे रहे हैं वो भी सही है, नहीं देंगे वो भी सही है, महिला तो सिर्फ सही है।
चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इतना बहुत।